आज एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं। आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट तो दिखाएंगे ही, लेकिन आज आपको उससे भी मिलवाएंगे जिसने ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, यानी मेरे सहयोगी विशाल पांडे, जो पिछले बहुत सारे दिनों से पश्चिम बंगाल में ही हैं। और सिर्फ कोलकाता के इस शहरी इलाके में नहीं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पश्चिम बंगाल के अंदर तक सुदूर इलाकों में गए हैं, गाँव में गए हैं, और जो आखिरी व्यक्ति जिसको आप कहते हैं उससे भी इन्होंने मिलने की कोशिश की है। आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपकी चाय के बारे में है। आप हर रोज़ सुबह उठकर चाय ज़रूर पीते हैं, और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जब तक अच्छी कड़क चाय ना मिले तब तक उनकी नींद टूटती नहीं है। और आप सब जानते हैं आपकी ये चाय कहाँ से आती है। आपकी चाय आती है चाय के बागानों से, और उत्तर बंगाल में चाय के बागान बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन अब उत्तर बंगाल में चाय के बागान धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, और उस वहाँ पर जो गरीब मजदूर काम करते हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। उनकी बात कोई सुनता नहीं, और उनकी आवाज़ दिल्ली क्या कोलकाता तक भी नहीं आ रही, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर विशाल पांडे वहाँ ज़रूर गए। और अब हम विशाल से ही पूछते हैं कि जब विशाल वहाँ पर गए तो क्या देखा विशाल आपने, और आप वहाँ पर क्या सोच कर गए थे, मकसद क्या था? सुधीर जी, ये उत्तर बंगाल का इलाका है, क्योंकि जब बहुत सारे समय से हम ये सुन रहे थे कि जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हैं वो बहुत खराब हालत से गुजर रहे हैं। उनके पास खाने का संकट है, उनके बच्चों की पढ़ाई की समस्या उनके सामने आ रही है। हम उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में पहुँचे, जहाँ पर एक रायपुर टी स्टेट है जिसमें लगभग 600 की संख्या में मजदूर काम करते हैं। पिछले कई सालों से वो बागान बंद है, और जब हमने उनकी स्थिति देखी तो किसी को 30 रुपये, किसी को 40 रुपये, इस हिसाब से मजदूरी उन लोगों को मिलती है सरकार की तरफ से जो तय की गई है। मतलब 30 रुपये एक दिन के, 30 रुपये एक दिन का भी आप कह सकते हैं सर, और इसको एक हफ्ते का भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उनको वो भी नहीं मिल पाता है। तो जो कमेटी होती है जो उनका एक चौथाई हिस्सा देती है वही उनको मिल पाता है। विशाल, अगर मैं आपसे पूछूं आजकल एक चाय कितने की मिलती है, अगर बाहर हम कहीं किसी चाय की दुकान पे चाय पिए तो एक कप चाय कितने की है? शायद वो भी 15 से 20 रुपए की होगी। 15 से 20 रुपए की होगी, और अगर किसी आप बड़े होटल या कैफे में जाते तो 250 से 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए तक का भी उसका चार्ज हो जाता है। लेकिन जो ये चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हैं, इसमें दार्जिलिंग के भी मजदूर आते हैं, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, सिलीगुड़ी, इधर जितने भी चाय के बागान हैं उसमें मजदूरों की स्थिति फिलहाल यही है, लेकिन सरकार तक किसी को कोई खबर नहीं। और खास बात यह सर कि ममता बनर्जी भी इस चाय बागान में जा चुकी थी मुख्यमंत्री बनने से पहले, और उन्होंने वादा किया था कि मैं इस चाय बागान को शुरू कराऊंगी जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। गांव वालों ने हमें ऐसा बताया, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। तो जब आप वहां गए गांव में तो वो हैरान हुए आपको देखकर कि ये जी न्यूज़ की टीम अचानक हमारे पास कैसे आ गई? उनके चेहरों पर बहुत ज़्यादा मायूसी थी, बहुत शांत थे, उन्हें बहुत उम्मीद थी कि हम उनकी मदद पहुंचा पाएंगे। उनको लग रहा था कि हम सरकार की तरफ से आए हैं और सरकार तक उनकी बात पहुंचा देंगे, उनको कुछ मदद मिल जाएगी। इसी सोच के साथ वो हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपना घर दिखाया, अंधेरे में रह रहे हैं और छोटा सा घर है, 7-7, 8-8 परिवार उस घर में रह रहे हैं, और गाँव वालों ने बताया कि कभी नमक नहीं मिलता, कभी मसाला नहीं होता है, कभी दाल नहीं होती, कभी तेल नहीं होता है, तो किस मुश्किल से वो गुजर रहे हैं। तो अब विशाल ने जो ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है आपके लिए, अब वो देख लेते हैं। ये हरी पत्तियां वो चाय हैं जो आपकी सुबह को तरोताजा करती हैं। दूर दूर तक आपको चाय के खूबसूरत बागान नजर आ रहे हैं, लेकिन इन हरी पत्तियों को देखकर यह मत समझिएगा कि यहाँ हरियाली की खुशहाली है। बाद में मेरा बेटा जी सूरज लोहार हैं, वो काम कर रहे हैं तो बागान का हालत खराब हो गया, तो इधर उधर काम करते हैं, टाट टूट मिलता है उससे, तब जो गाड़ी घर का कुछ खाना मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अवस्था बहुत खराब है सर। हम लोग का किन का खाने का भी पैसा नहीं होता है दो बीरो खाने के लिए। चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब है। इन्हें असली किसान कहा जाता है, क्योंकि यही चाय की खेती करते हैं और उसे फिर आगे तक पहुंचाते हैं। क्या इनकी तरफ किसी का ध्यान जाता है? घर में कोई मेहमान आ जाए तो आदर सत्कार में लोग चाय के लिए पूछते हैं, लेकिन इस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता कि इन चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूर के घर पर दो वक्त की रोटी बन जाए तो भी गनीमत है। आपको जानकर गर्व होगा
कि चीन के बाद भारत वो देश है जो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा चाय पत्ती निर्यात करता है। भारत में उगाई जाने वाली 18% चाय पत्ती विदेशों में भेजी जाती है। भारतीय चाय उद्योग ने साल 2017-18 में विदेशी निर्यात से 3,955 करोड़ रुपए और साल 2018-19 में 4,321 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय चाय उद्योग का घरेलू और विदेशी व्यापार 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। लेकिन ये बड़े बड़े आंकड़े और करोड़ों में हो रही बात तब सही नहीं लगती जब इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों की रोज मिलने वाली मजदूरी का जिक्र होता है, जो कई बार एक कप तैयार चाय की कीमत से भी कम होती है। हफ्ता में पड़ते हैं कभी 600, कभी होता है तो 700 हफ्ता में, सप्ताह में उसका से नहीं है। हाँ, तो ये कब सीजन, किस सीजन में मिलता है? वो जब पत्ती के सीजन में, बाकी और सीजन में कोई पैसा नहीं, नहीं है, है। नहीं है अभी भी, अभी तक भी नहीं, अभी तो यह पत्ती नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बैठे हुए हैं सब, बल बच्चों सब घर में बैठा हुआ है, इधर उधर काम भी नहीं मिलते हैं, कमाने को हम लोग का कोई रास्ता भी नहीं है। भारत में चाय पत्ती के 1,585 बड़े बागान हैं। ये बागान पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में हैं। चाय के कुल व्यापार में 52% हिस्सेदारी इन बड़े चाय बागानों की है, जबकि 48% हिस्सेदारी साधारण किसानों की है। देश में इस वक्त रेलवे और सेना के बाद चाय बागान तीसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। चाय उद्योग में प्रत्यक्ष तौर पर 15 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 45 लाख लोग काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में ही चाय उद्योग से 3,37,316 किसान मजदूर और दूसरे कर्मचारी काम करते हैं। इन सब के बावजूद चाय बागान के मजदूरों की हालत में कोई सुधार नहीं है, ना ही उनके बारे में कोई कुछ सोच रहा है। 3.5 लाख से 4 लाख श्रमिक इस बागान में रोजी रोजी से ये कमा के खाता था, और इसके साथ और भी 3-4 लाख लोग जुड़ा रहता है, इसका परिवार का लोग, कुल मिला के 10 लाख के करीब आ जाता है। ये पूरा पूरी ये चाय बागान के ऊपर डिपेंड है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, ये जो यहाँ का जो मजदूर है, ये सारा भारतवर्ष में जितना वेज मिलता है ना जो श्रमिक को, सबसे कम वेज मिलता है इस टी गार्डन में। अभी तो चाय की फसल तैयार नहीं है, इसलिए यहाँ मजदूर खेतों में नहीं दिख रहे। मार्च से मई के बीच फसल तैयार होती है और इसी दौरान पत्तियां इकट्ठा करने का काम भी शुरू होता है, जो नवंबर महीने तक चलता है। अलग अलग महीनों में तोड़ी गई पत्तियों का स्वाद और रंगत भी अलग होती है, पर मजदूरों के खाने का स्वाद और जिंदगी की रंगत नहीं बदलती। यहाँ पे बगान में काम करते करते मर गए भी, फिर भी उनका पैसा नहीं मिला है, हाँ, बहुत अब दिन का। तो ऐसा तो बहुत समस्या हम लोग को दिखाई दे रहा है। बड़ा लोग हैं, वो लोग भी नहीं देखा है मालिक कौन है, कहाँ पे रहता है, मालिक भी नहीं आता। अभी मिल पाया कुछ? अभी नहीं मिलता है। कितने महीनों से पैसा नहीं मिला? बहुत साल से। जिनकी मेहनत से उगाई गई चाय पत्ती आपकी प्याली तक पहुंचती है, उनके घर की चाय का स्वाद कैसा है, ये हमने देखा। खेती मजदूर करता है और जो इसका मुनाफा होता है वो बड़े बड़े कारोबारी उठा लेते हैं। किसी को 20 रुपये, किसी को 40 रुपये, किसी को 60 रुपये, किसी को 100 रुपये, यही चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों को मिल पा रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।